हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1, इसमें एक ही एक्सरसाइज हमारी और क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में हम, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर away from the foot of the tower is 30 degree, find the height of the tower. Angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 meter, find the height of the tower. ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हमारा देखिए, ये हमारा क्या टावर है, टावर है हमारा, और इस पर ग्राउंड पर हमने एक पॉइंट लिया है जो कि इसके फुट से, कहां से, फुट ऑफ द टावर से कितना है, 30 मीटर दूर है भाई। हमको फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हम फाइंड करना, देखिए कितना हम फाइंड करेंगे। देखिए भाई, हम मान लेंगे तो ए बी सी, राइट, और इसको हम मान लेंगे क्या, ये है हमारी हाइट, हम मान लेंगे इसको h, मान लीजिए कितना मान लिया h, लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h, राइट। अब देखिए ये हमारा क्या 30 है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्रिकली हम मालूम कर ले रहे हैं कि हमारा हाइपोटेन्यूज क्या, बेस क्या है, राइट। और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया और ये हमारा हो गया बेस। आप इस टाइप से सर्कल कर देंगे तो एकदम क्लियरली माइंड में आ जाएगा कि ये हमारा परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज है, बेस, राइट। अब फार्मूला लगाएंगे, देखिए हमें बेस हमें मालूम है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, पर इनडायरेक्टली भी हाइट ऑफ द टावर जो है वो परपेंडिकुलर तो है, राइट। तो हम यहां फार्मूला लगाएंगे टैन वाला, तो थीटा है हमारा 30 डिग्री और हमारा जो बी सी है मीन्स जो हमारा बेस है वो हमारा 30 मीटर, हम लगाएंगे हम 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटा हमारा 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा एच और बेस हमारा 30, राइट। तो 10 30 होता हमारा 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √3 इज इक्वल टू √3 एच इक्वल टू 30, therefore हमें x अंदर मिल जाएगा h is equals to 30 upon root 3, right। अब देखिए root 3 से cross multiply कर देंगे आप, cross नहीं बेटा, rationalize कर रहे हैं, या फिर numerator denominator दोनों को root 3 से multiply कर देंगे, तो ये हमारा जाएगा 30 root 3 over 3, root 3 root 3 3 हो गया, 10 times cancel हो गया, तो h हमको मिल गया 10 root 3। अगर हमें दूसरी का वैल्यू मालूम है तो दूसरी का वैल्यू आप पुट कर देंगे, राइट। पता नहीं देगा तो आंसर आप नहीं को छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या हमारा हाइट ऑफ द टावर, कितने का हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 10√3 मीटर। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा भी अच्छा हमारा क्वेश्चन है। पहले जो हमारे स्टार्टिंग के 5 तक हमारे इजी क्वेश्चन है और 5 बार होता है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम चलाएंगे। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, राइट। तो हमारी जो काइट है वो 60 मीटर है, राइट। पहले तो नहीं, तो फिगर है ना उसको बना लीजिए आप, राइट। यहां पर हमारी काइट है, राइट, और ये कितनी हमारा 60 मीटर है, मेन हाइट, राइट। देखिए भाई, इधर देखेंगे 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच टू अ काइट इज टेंपरेरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब जो वही स्ट्रिंग हमारे इस काइट की पतंग की उसे टाइड कर दिया ग्राउंड का, ये क्या धागा होगा ना, थ्रेड होगा हमारा, राइट, स्ट्रिंग टाइड कर दिया, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ये कितना हमारा 60 डिग्री, राइट। तो आपसे कुछ पूछा आपसे, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, इसका मीनिंग समझ लीजिए, देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, राइट। इसका मीनिंग क्या है कि पैसे जब हम पतंग उड़ाते हैं, देखिए आपने उड़ाया होगा, सभी ने आपने पतंग उड़ाया होगा,
तो उसमें क्या लिखा होगा आपने कि हमारा जो पतंग है वो इस प्रकार से उड़ता है, इस प्रकार से उड़ाते हैं हम पतंग को, वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होता, इस टाइप से आपने देखा होगा इस टाइप से होता है हमारा पतंग स्ट्रेट, मतलब होता है उसमें ये कम टाइप होता है, मतलब ढीलापन उसमें होता है ढीलापन, तो इसमें कोई सिलेक्ट नहीं है, हम ये मान के चलेंगे मैथमेटिकली, वरना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, समझ रहे। अगर आप ये मानेंगे तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम यहाँ पर मानेंगे कम टाइट है, राइट। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मीन्स हमें ये जो हमारा स्ट्रिंग है, ये हमारा स्ट्रिंग है, इसका हमें लेंथ फाइंड करना है, इसको हम करेंगे ए बी सी ये राइट एंगल, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हमारा पी बन जाता है और ये बन जाता है हमारा बेस, तो हमें परपेंडिकुलर वाला और हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन वाला, सिंपल इजी क्वेश्चन है। ए की बार कितना है, हाइट ऑफ द काइट अबाउट द ग्राउंड इज 60 मीटर और थीटा है हमारा, थीटा कितना हमारा 60 डिग्री, राइट। तो लगाएंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा हमारा 60 है, परपेंडिकुलर है हमारा 60, हाइपोटेन्यूज हमारा मतलब एसी मींस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, राइट। ये हमको फाइंड करना है, साइन 60 का 3 बाई 2 इज इक्वल टू 60 अपॉन एसी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 एसी इज इक्वल टू 120, एसी इक्वल टू 120 बाई रूट 3, तो यहाँ पर हम रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एसी इज इक्वल टू 120 बाई रूट 3 इंटू रूट 3 और डिवाइडेड बाई रूट 3, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा एसी इज इक्वल टू 120 रूट 3 अपॉन 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा 40 टाइम्स, तो एसी हमको मिल जाएगा 14 रूट 3 मीटर, सेम का लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो चलाओ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।